तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मास्टर यू को चोट खाते देख यूनियन सेक की लेडी इमॉर्टल लॉर्ड से रुकने को कहती है, लेकिन इमॉर्टल लॉर्ड रुकने को जगह अपनी पावर और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो अब इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि फिर इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में उसे अटैक के साथ होती है, जिसे इमॉर्टल लॉर्ड ने मास्टर यू की तरफ किया था। अटैक बहुत पावरफुल था, इस कारण मास्टर यू उसे रोकने की वजह पीछे ही खिसकते जा रहे थे। पर अब इमॉर्टल लॉर्ड उनसे कहते हैं कि अगर आप अभी भी वक्त को समझे और हाथ जोड़कर साथ ही अपने घुटनों पर आकर मुझसे माफी मांगे तो जरूर मैं आपको माफी देने की सोच सकता हूं। साथ ही इमॉर्टल लॉर्ड ने अपना अटैक रोक दिया था, इस कारण अब मास्टर यू पहले तो सांस लेते हैं और फिर उसके बाद इमॉर्टल लॉर्ड से कहते हैं कि नहीं, मैं तुमसे माफी नहीं मांग सकता, भले ही इससे मेरी जान भी क्यों न चली जाए, क्योंकि मेरे अंदर का प्लॉट मुझे कभी तुमसे माफी मांगे नहीं। अब उनकी बात सुनकर इमॉर्टल लॉर्ड कहते हैं कि ठीक है, तो फिर आज पहले ही इस प्राउड को ही ठिकाने लगाते हैं। अब इतना कहने के साथ ही इमॉर्टल लॉर्ड ने मास्टर यू की तरफ अपना पाम अटैक कर दिया था। वैसे ये पिछले वाले से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि पिछली बार उंगली थी, इस बार हाथ है। अब मास्टर यू भी अपनी तलवार को आगे कर उस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन अब वो अटैक इतना पावरफुल था कि वो उसे रोक ही नहीं पा रहे थे। तभी हमारी नजर जाती है थोड़े से नीचे, जहां जिंग भी मास्टर यू को अपनी पावर देने में लगा था, लेकिन उसकी पावर से भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि इससे वो ही और डैमेज होते जा रहा था। ये देखकर वो खुद ही सोचने लगता है कि सच में क्या होती है इमॉर्टल लॉर्ड की पावर। अब वो समझ चुका था कि रियलिटी में अभी ऐसी बहुत सारी ताकतें हैं जिनसे वो भी नहीं जीत सकता। अब इसके बाद सीन यूनियन सेक की लेडी की तरफ आता है। यहाँ वो भी मास्टर यू को देखकर ये समझ चुकी थी कि मास्टर यू कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अभी भी वो किसी भी हालत इमॉर्टल लॉर्ड को नहीं हरा सकती। वैसे तो मास्टर यू ने भी अभी भी इमॉर्टल लॉर्ड को अटैक रोक रखा था, साथ ही वो भी बहुत गुस्से थे, लेकिन अभी भी कोई होप ना देखते हुए वो लेडी आगे आकर फिर से इमॉर्टल लॉर्ड से कहती है कि माना इस चीज में गलती मास्टर यू की है, लेकिन आप तो इमॉर्टल लॉर्ड हो, आप तो उन्हें माफ कर ही सकते हो। वैसे भी बात अगर माफी की है तो उनके बदले मैं माफी मांग लेती हूँ। लेकिन वैसे तो इमॉर्टल लॉर्ड भी समझ गए थे, लेकिन फिर भी उस लेडी से पूछ कहते हैं तुमने सच में उससे प्यार हो गया है ना। साथ ही वो उस लेडी को इस चीज के लिए वार्निंग भी देते हैं, लेकिन अब उस पर वो लेडी कुछ भी नहीं कहती, बल्कि बात थोड़ी सी चेंज करते हुए उनसे फिर से मनाने की कोशिश करती है। वो इमॉर्टल लॉर्ड से कहती है कि आपको तो ये पता ही है कि आप आराम से ये लड़ाई जीत सकते हैं, तो आपने जूनियर्स पर इतना अत्याचार क्यों। लेकिन अब इस बात से इमॉर्टल लॉर्ड को और थोड़ा गुस्सा आ जाता है। अब वो उस लेडी से कहते हैं कि तुम कहना क्या चाहती हो, मैं अपने पावर से कमजोरों पर जुल्म करता हूँ। अब ये बात सच थी, इसलिए यहाँ पर वो लेडी कुछ भी नहीं कहती। पर अब उसे चुपचाप देखकर इमॉर्टल लॉर्ड समझ जाते हैं कि ये मास्टर यू की ही तारीफ है। तो अब इसलिए इमॉर्टल लॉर्ड अपने बाकी साथी मास्टर्स को ऑर्डर देते हैं यूनियन सेक की लेडी को रोकने के लिए। साथ ही वो सभी मास्टर्स भी बात मानते हुए तुरंत ही आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अब इस चीज से उन लेडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही इमॉर्टल लॉर्ड की तरफ अटैक कर देती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, बल्कि इमॉर्टल लॉर्ड इजीली उसे अटैक को रोक लेते हैं। साथ ही इमॉर्टल लॉर्ड कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि तुम भी मुझे धोखा देने की कोशिश करोगी। इतना कहने के बाद वो तुरंत ही उस लेडी पर बहुत पावरफुल अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लेडी तुरंत ही एक बड़े से पत्थर से टकरा जाती है। अब इमॉर्टल लॉर्ड को फिर एक बार सभी मास्टर्स को उन लेडी को पकड़ने के लिए कह देते हैं। साथ ही वो तुरंत ही मास्टर यू की तरफ अपने दूसरा हाथ भी बढ़ा देते हैं। ये देखकर वो लेडी और भी चिंता में आ गई थी। तभी हम जिंग को भी देखते हैं और वो भी चिंता में था। अब ये अटैक पिछले सभी अटैक से थोड़ा ज्यादा ताकतवर था, इस कारण मास्टर यू इसे नहीं रोक पाते, लेकिन फिर भी वो अपना हाथ आगे कर उस अटैक को रोकने की ट्राई करते हैं। मगर अचानक ही वो देखते हैं कि वो ना जाने जगह पर आ चुका है। अब सामने से उनके मास्टर चलते हुए आ रहे थे, नहीं मास्टर और इमॉर्टल लॉर्ड और ये सारी नॉलेज दी है। अब उन्हें देख कर मास्टर यू थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। अब वो मास्टर आगे आते हुए उनसे पूछते हैं कि तुम्हें याद है कई साल पहले तुमने कहा था कि तुम्हें इमॉर्टल लॉर्ड बनना है, लेकिन क्या तुम्हें इसका कारण अभी भी याद है। तो इस पर मास्टर यू तुरंत ही कहते हैं कि हाँ, मुझे पूरे इमॉर्टल वर्ल्ड में सबसे पावरफुल पर्सन बनना था। अब उनकी बात सुनकर वो मास्टर हंसने लगते हैं, साथ ही फिर वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है पूरे इमॉर्टल वर्ल्ड का सबसे पावरफुल आदमी बनना इतना आसान होता होगा क्या। पर हाँ, ये बात भी है कि ये सबसे मुश्किल नहीं है, क्योंकि सबसे मुश्किल तो इनर पीस है। अब ये इनर पीस सुनकर मास्टर यू थोड़ा सोचते हैं कि ये क्या है, लेकिन तभी वो मास्टर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन वो कहते हुए जाते हैं कि सबकी अलग डेस्टिनी होती है, मुझे नहीं लगता कि तुम इमॉर्टल लॉर्ड बनने के लिए पैदा हुए हो, तुम्हारे मास्टर तुमसे सिर्फ यही चाहते हैं कि तुम सिर्फ इनर पीस ढूंढो। अब उनकी बात मास्टर यू को समझ नहीं आई थी, इसलिए वो थोड़े सोच में पड़ गए थे। पर तभी वो यूनिसेक वाली लेडी वहाँ आती है और मास्टर यू से कहती है कि आपके अलावा मुझे कभी। अब इसके बाद वो वापस से वहीं आ जाते हैं जहां इमॉर्टल लॉर्ड ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन आते ही वो जोर से चलाते हैं और अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं। पर हम देखते हैं कि इस बार इमॉर्टल लॉर्ड अपनी उस एनर्जी बॉडी के साथ पीछे हो जाते हैं। साथ ही उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मास्टर यू ने किया क्या जो उनकी इतनी पावर बढ़ गई। दूसरी तरफ हम लास्ट में मास्टर यू को देखते हैं, जिसकी बॉडी से लील कलर की एनर्जी निकल रही थी, साथ ही वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। लेकिन अब इसी के साथ ये पार्ट भी खत्म हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।